तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त रोहित लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ा बहुत और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जिन दो एक्टरों की बात आपसे करने वाला हूँ उनके फैन मुझे लगता है कि बहुत सारे तो होने वाले ही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। लेकिन दोस्तों उससे भी पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब दोस्तों इससे पहले मैंने आपसे बात की थी कि ये जो वीडियो होने वाली है ये दो एक्टर के बारे में होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो दो एक्टर होने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन और साथ ही साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर। और जी हां दोस्तों, इन्हीं दोनों स्टारर मूवी होने वाली है वॉर 2। वैसे दोस्तों आपने वॉर 2 के बारे में तो बहुत सारी फेक न्यूज सुनी होंगी, जिनमें कहा जाता है कि ऋतिक रोशन कभी जूनियर एनटीआर को लिया जा रहा है या फिर कभी इसके लीक वीडियो को लेकर बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ आ रही हैं जिनसे फैन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन और साथ ही साथ जूनियर एनटीआर स्टारर ये वॉर 2 में अब जूनियर जो एनटीआर हैं वो सच में काम करने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि वॉर 2025 में रिलीज हो सकती है। वैसे दोस्तों ये तो आपको पता ही होगी कि जो वॉर 2 है वो हाई एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है। इसमें कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन और साथ ही साथ जूनियर एनटीआर ये दोनों जो एक्टर हैं वो बहुत ही एनर्जी में इस मूवी को कास्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ इसी एनर्जी को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। और वैसे दोस्तों ये बात भी आपको मालूम होगी कि वॉर 2 को बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म डायरेक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स बना रही है। जी हां दोस्तों, मूवी को आदित्य चोपड़ा की स्पाई यूनिवर्स की ये अगली मूवी होने वाली है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार हमें जूनियर एनटीआर भी ऋतिक रोशन के साथ लीड रोल में दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर वॉर 2 में ये दोनों यानी जूनियर एनटीआर और साथ ही साथ ऋतिक रोशन एक साथ नजर आने वाले हैं तो दोस्तों फिर भी आपको पता ही है कि दोनों जो स्टार हैं उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो इससे एक मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक पुश मिल सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने आरआरआर में भी देखा है, जिसने की वर्ल्ड वाइड बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया है। लेकिन दोस्तों चलिए अगर वॉर 2 में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन आ भी जाएं, लेकिन इस मूवी को लेकर एक और सस्पेंस ऐसा है जो अभी भी बना हुआ है। वो ये है कि वॉर 2 को जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो अयान मुखर्जी हैं। लेकिन दोस्तों इसमें चौंकने वाली बात ये है कि वॉर के जो डायरेक्टर थे वो सिद्धार्थ आनंद थे। जी हाँ दोस्तों, वॉर को किसी और डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ अब वॉर 2 को कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा। वैसे आपको बता दूं कि सिद्धार्थ आनंद जो अभी अपनी अपकमिंग मूवी फाइटर को लेकर अभी बिजी चल रहे हैं। फाइटर जो कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी होने वाली है, वो एक साथ इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थ आनंद है वो शाहरुख खान और सलमान खान स्टारर टाइगर वर्सेस पठान को भी पूरा करेंगे। अब वैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं अयान मुखर्जी, तो वो वॉर 2 को डायरेक्ट करने के बाद अपनी अपकमिंग मूवी ब्रह्मास्त्र 2 और 3 को शुरू करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, वॉर ने जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, क्या डायरेक्टर बदलने से ये मूवी यानी कि वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर पाएगी या नहीं? और दोस्तों साथ ही साथ क्या होगा जब वॉर 2 में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों साथ में ही काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है वॉर 2 आखिर बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करेगी? अपना प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। वैसे दोस्तों उससे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।